प्यारे बच्चों, आज हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग में हमको बनाना है बकेट, मतलब बाल्टी। बाल्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 बाय 12 सेंटीमीटर का एक मुस्तकिल बनाएंगे। अगर कॉपी बड़ी है तो हम 12 बाय 14 सेंटीमीटर लेंगे, यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो जितना भी हम लेने वाले हैं, लंबाई 2 सेंटीमीटर ज़्यादा रखेंगे। ये मैंने लिया समझो 10 सेंटीमीटर और ये मैं ले रहा हूँ 12 सेंटीमीटर। स्केल का आपको इस्तेमाल करना है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको स्केल से गिन के बनाना है 10 12, ठीक है। अब 10 का आधा कितना होता है, 5 सेंटीमीटर पर हम ऊपर भी निशान लगाएंगे, नीचे भी, और यहाँ से एक हल्का सा लाइन बनेगा। ध्यान रखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हम ड्राइंग जब भी बनाएं तो बहुत ही हल्के हाथों से बनाएं। देखिए मैं आपको कितना हल्का बनाकर बता रहा हूँ, बहुत ही हल्का ड्राइंग बनाएंगे, ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये हो गया 5 5 5। अब यहाँ ऊपर से स्केल को इस तरीके से खड़ी लगाएंगे हम, यहाँ पर 0 से 1 और 2 2 सेंटीमीटर, 1 और 2 सेंटीमीटर पर हम निशान लगाएंगे, सेम टू सेम इधर भी 1 2, और जो 2 सेंटीमीटर रहेगा सिर्फ उसको हम कनेक्ट करेंगे। 1 को कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर को कनेक्ट करना है, 1 1, टोटल 2 सेंटीमीटर होगा। उसी तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर लेंगे हम और एक लाइन ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट है, ये जो हमने 1 लिया, ये सेंटर जो आया, फिर ये 1 और ये सेंटर, ये चारों हिस्सों को हमको कनेक्ट करना है, लेकिन इस तरीके से नहीं, काइट का शेप नहीं लेना है, हमको राउंड करना है। इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले सेंटर में हाथ रखना है, पेंसिल कैसे दूर पकड़ना है और सेंटर में हाथ रखना है और इस तरीके से हल्का सा राउंड बनाना है। पहले हाथ घुमाकर हम देख लेंगे कि हमारा राउंड बराबर बन रहा है कि, इस तरीके से हल्का हल्का आप चलाते जाइए, आपको खुद ही बनता हुआ नजर आएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद नीचे से सेम वैसे ही, इस पर टच होना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखिए। अगर आपको इस तरीके से उल्टा हाथ चलाते नहीं आता तो आप कॉपी उल्टी पकड़ के भी बना सकते हैं, तो इस तरीके से। और ये जो कॉर्नर से पॉइंटेड नोकीले नहीं चाहिए, इसको राउंड करना है। अगर हमको जो एक्सेस लाइन है, एक्स्ट्रा लाइन से जो रॉन्ग है, उसको हम हटा भी सकते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एक्स्ट्रा लाइन से हम हटा। अब यहाँ पर हमने जो 1 सेंटीमीटर लिया था, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये हो गया। ये जिस तरीके से हमने राउंड लिया, सेम टू सेम ये राउंड भी इस एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। अगर आपको ऐसा मुश्किल जाता है, मैंने कहा कि आप कॉपी को उल्टी पकड़ दीजिए, इसको यहाँ बीच में सेंटर में हाथ रखिए, आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 सेंटीमीटर यहाँ निशान है, इस कॉर्नर से यहाँ तक 1/2 सेंटीमीटर, इस कॉर्नर से यहाँ पर 1/2 सेंटीमीटर भी हम निशान लगाएंगे। और नीचे यहाँ पर ऊपर वाली जो हमने 1 सेंटीमीटर की जो लाइन ले दी, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर पर हम यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर पर हम निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हमको क्या करना है, ये जो 1/2 सेंटीमीटर हमने लिया है और ये 1.5, ये दोनों को कनेक्ट कर देना है इस तरीके से, स्केल की मदद से इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ से 1/2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हमने राउंड लिया है, ये हमारा राउंड है, सेम वैसे इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। सीधा नहीं आता है तो कॉपी हम उल्टी करके भी बना सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल एक बकेट तैयार हो गया, ऑब्जेक्ट ड्राइंग में आता है ना बकेट, डस्टबिन जैसा, बिना हैंडल वाला जो रहता है, हम इसको डस्टबिन भी बोल सकते हैं, तो ये डस्टबिन हो गया। अब इसको हमको बकेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर लाइन थी, यहाँ से
एक सेंटीमीटर इधर, एक सेंटीमीटर इधर। यहाँ से निकलेगा हैंडल नीचे की तरफ, यहाँ से घूमकर ये बराबर यहाँ जाना चाहिए, सेम ऐसा ही वहाँ पर है हैंडल का दूसरा हिस्सा, तो ये बराबर ऐसे घूम के यहाँ तक जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ नीचे का हिस्सा बाकी हमारा बकेट बना रहे हैं, यहाँ से वापस हाफ सेंटीमीटर, ये कॉर्नर से हाफ सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, और ये लाइन जैसे हमारी क्रॉस है बिल्कुल वैसे ये लाइन क्रॉस, ये लाइन जिस तरीके से क्रॉस है हमारी, ये लाइन भी वैसे क्रॉस। कहाँ तक लेंगे हम, ये जो हमारा नीचे का 12 सेंटीमीटर का लाइन है यहाँ तक इसको टच करना है, वापस से यहाँ से राउंड इसमें कनेक्ट हो। इस तरीके से हमारा ये बकेट बाल्टी तैयार हो गया। हम यहाँ पे बाल्टी में कट होता है ये भी डाल सकते हैं, डिटेल्स अगर हमको करना है तो सारी डिटेल्स कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट ड्राइंग रेडी हो गया। थैंक यू।